हेलो स्टूडेंट्स चलिए आयनिक में कंटिन्यू करेंगे हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी बफर के बारे में बफर सॉल्यूशन के बारे में तो हेड ही लिखेंगे पीएच ऑफ एसिडिक बफर पीएच ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन तो एग्जांपल ले लेते हैं कोई एक वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस कंजुगेट बेस एक सॉल्ट होगा तो मान लो इसी कंसेंट्रेशन ए है और सोल्टी कंसेंट्रेशन एस है मोल पर लीटर तो ए इज द वीक एसिड एंड एस इज द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट कंटेनिंग कंटेनिंग ऑफ़ वीक एसिड अब ये एसिडिक बफर है तो एक बात तो क्लियर है आपको कि हर वीक एसिड का अपना एक होता है इट विल पार्शियली आयोनाइज़ टू फॉर्म एच प्ल एंड ए माइनस और इसका अपना एक का, A थी मान लो इसमें से और ये जीरो थी और ए माइनस मेजर अमाउंट में कहां से आ रहा है एन ए से कितना एस कंसंट्रेशन थी मोल पर लीटर इक्वेबरियम पर एक्स खर्च हुआ क्या बना एक्स क्या बना एक्स एस पुराना था तो एस प्लस एक्स तो एक तरीके से के इज इक्वल टू वॉट कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस एक्स इंटू ए माइनस एस प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर वन तो कहने को तो देखो बफर सॉल्यूशन में जस्ट अप्लाई दिस इक्वेशन ए विलेट दैल्यू है एच प्लस एंड वी कैन फाइंड आउट दी एच ऑफ द सोल्यूशन बट अगेन जैसा कि आप जानते हो अब तक तो आप भी समझ गए होंगे मैं क्या बोलने वाला हूं नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर बच सकता होगा तो बचेंगे हम फ्रॉम द क्वाडर इक्वेशन हम अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशन का पर्पज मैं कई बार पहले बोल चुका हूं अप्रोक्सीमेशन का पर्पज है कि कैलकुलेशन को आसान कर देना बट स्टिल नॉट अफेक्टिंग द आंसर मच एरर बहुत कम आए और क्वेश्चन आसान हो जाए कैलकुलेशन ईजी हो जाए द पर्पज ऑफ अप्रोक्सीमेशन तो हम अप्रोक्सीमेशन करेंगे यहां पर तो क्या अप्रोक्सीमेशन और ये अप्रोक्सीमेशन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में वैलिड होता है लग जाता है एक्सेप्ट स्पेसिफिक केस जैसे क्या वीक के अगर अच्छा खासा स्मॉल हो तो ये बात पहले ही पता है कि एक्स काफी स्मॉल होता है इन कंपेरिजन टू ए और साथ में यहां तो ए माइनस है कॉमन आयन इफेक्ट अच्छी खासी कंसेंट्रेशन में अगर ए माइनस भी प्रेजेंट हो सॉल्यूशन में तो बिकॉज ऑफ द कॉमन आय इफेक्ट और भी कम डिसोशिएट होगा तो एक्स वैल्यू विल बी फर्दर स्मॉल एंड कैन बी सेफली इग्नोर एक्स कैन बी इग्नोर इन कंपेरिजन टू ए तो क्या कहें If k is small and a is large, is high, so that alpha of HJ is less than equal to 0.1. अब ये 0.1 तो याद हो गया होगा आपको कि अगर alpha की वैल्यू 0.1 से कम है, तो we can ignore that associated amount. तो अगर के हाई हो अच्छा के अल्फा निकालते कैसे हैं एसिड का अप्रोक्सीमेटली के अपॉन सी कंसेंट्रेशन ये वाले फॉर्मूले से हालांकि सी यहां कौन है ए तो ये, ये वन से कम हो तो वी कैन से दैट एक्स विल बी मच स्मॉलर देन ए तो इसका मतलब एक तो यही हो गया कि ए माइनस एक्स को जरूरत पड़ने पर हम क्या ले सकते हैं ए के बराबर साथ ही साथ दूसरा अप्रॉक्सीमेशन ये भी है कि इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड विक एसिड एंड सॉल्ट आर इनफ हाई एंड कंपेरेबल इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड सॉल्ट आर इनफ हाई एंड कंपेरेबल अच्छा इनफ हाई क्यों कह रहे हैं कंपेरेबल भी हो और कंसेंट्रेशन बहुत ही लो हो जाए एसिड और सोल्ट की तो वो नाम का ही बफर है जैसे मान लो एक ड्रम भर के पानी ले लिया आपने उसमें एक चुटकी भर एक जरा सा सा आपने एसिड मिला दिया और बहुत जरा सा सोल्ट मिला दिया और कह दिया बफर कुछ ना है बफर ये ये तो नाम का बफर हुआ बफर के लिए द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड एंड कंजुगेट बेस शुड बी अप्रीशियवली हाई तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड सॉल्ट शुड बी एनफ हाई एंड शुड बी कंपेरेबल ऑल्सो तो इसका मतलब एक्स को उड़ाया था हमने इग्नोर किया था इन कंपेरिजन टू ए तो नाउ कैन इन इग्नोरिजन टू एस एक्सो वेल लेस देन एस तो वी कैन से दैट सेक्स कैन ऑल्सो भी टेकन एज एस अब जरा इक्वेशन वन पे आओ क्या थी इक्वेशन के इज इक्वल टू एक्स इन टू एस प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स तो लिखो

दैट इज इक्वल टू के इन टू ए अपॉन एस लॉग लेंगे और नेगेटिव रिप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला जाएगा पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट अपॉन एसिड और इसको यू भी लिख सकते हैं वी कैन ऑल्सो राइट लाइक पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस concentration of salt in the solution upon concentration of acid in the solution so thing and equation is uh, quite famous in the name of Henderson equation Henderson-Hasselbalch equation simple ज्यादा सिंपल होगा आप सिर्फ क्या याद कर लें लेरसन इक्वेशन तो दिस इज द एच फॉर दिस बट अगेन एप्लीकेबल कंडीशन जरूर याद रखें कब एप्लीकेबल है वेन फर्स्ट के इज हाई सॉरी लो मैंने ऊपर भी लो ही लिखा है ना लेटमी चेक uh, हाँ यस के इज स्मॉल एज लो एंड ए एंड एस आर हाई एंड कंपेरेबल एंड कंपेरेबल अच्छा वॉट इज अग ऑफ कंपेरेबल हाई तो चलो ठीक है कि दोनों पॉइंट टू एम ले लिए पॉइंट थ्री एम ले लिए और कंपेरेबल का मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो

ई दिस हैंडरसन इक्वेशन तो सोल्ट और एसिडिकेशन का रेशियो पॉइंट वन और दस के बीच में है तो वी से कंसेंट्रेशन आर कंपेरेबल एंड द डिफरेंस ऑफ द फैक्टर इज नॉट मोर देन टेन तो ये थी हैंडरसन इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर अच्छा एक बात ध्यान रखना नामी एसिडिक बफर है बट पी एच ऑफ सच एसिडिक बफर सोल्यूशन मे बी मोर देन सेवन मे बी लेस देन सेवन तो कई बार स्टूडेंट को डाउट आता है सर एसिडिक बफर है तो पी एच सात से कम ही होनी चाहिए अरे भाई एसिडिक बफर है तो उसमें एसिड भी है तो कंजुगेट बेस भी है है ना तो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस पी एच में बी लेस देन सेवन और मोर देन सेवन तो याद रखेंगे पीएच ऑफ एसिडिक बफर में भी लेस देन सेवन कॉमा सेवन और मोर देन सेवन कैन बी लेस देन सेवन इक्वल टू सेवन और मोर देन सेवन तो वो डिपेंड करता है व्हाट इज अम्पोजिशन ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन अच्छा ये एसिडिक बफर के लिए फॉर्मूला था सिमिलरली हम सिमिलरली हालांकि चाहो तो आप डिराइव कर सकते हो बेसिक बफर के लिए भी फॉर्मूला आ जाएगा बट अब हम यहां डायरेक्ट लिखेंगे सिमिलरली फॉर बेसिक बफर दैट मीन द मिक्सचर ऑफ द वीक बेस एंड इट्स कंजुकेट एसिड पी एच की जगह क्या चेंज होगा पीओ एच पी के जगह पी के बी प्लस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन ऐसी जगह क्या आ जाएगा बेस और इसको यूं भी लिख सकते हो पी एच इज इक्वल टू पी के बी पी ओ एच इज इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस तो ना एक ही इक्वेशन है सेम ही इक्वेशन है अगेन दिस इज कॉल्ड हैंडरसन इक्वेशन फॉर बेसिक बफर फॉर बेसिक मिक्सड बफर सो लाइक दैट यू कैलकुलेट द पी एच ऑफ बफर सोल्यूशन और यदि ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है यहां भी वो कंडीशन तो रहेंगी हाँ लेकिन मैंने लिख दिया एप्लीकेबल वेन फर्स्ट के इज केबी इज लो ताकि एक्स इग्नोर कर पाए सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस एंड सॉल्ट आर हाई एंड कंपेरेबल सो लाइक दैट यू से बफर सोल्यूशन तो ये थे पीएच कैलक्युलेशन के तरीके हाउ टू फाइंड आउट द पीएच ऑफ द बफर सोल्यूशन एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर न्यूमेरिकल्स ऑल्सो वी विल डू बट बिफोर दैट एक और टाइप का बफर था अगर आपको ध्यान हो कौन सा सिंपल बफर जैसे बी सिंपल बफर सिंपल बफर एक्वा सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस जैसे कौन सी एस थ्री सीओ ओ फोर इस टाइप का तो ध्यान दो ये इसकी इसके पीएच तो आपने पढ़ी ही है क्या फॉर्मूला था पीएच का सिंपल बफर के हाफ पी के डब्लू प्लस पी के ए माइनस पी के बी नोवेयर कंसेंट्रेशन इज इन्वॉल्व सो दिस इज सिंपल बफर बट जनरली बफर मींस मिक्स्ड बफर एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर तो ये पीएच कैलकुलेशन के तरीके थे लेटस डू सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैन एक बहुत ही अच्छा सवाल है ये आईआईटी में बहुत पहले आया हुआ है क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन एग्जाम्पल थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं बट फॉर्मेट क्वेश्चन का लगभग इस टाइप का था कि विच ऑफ द फॉलोइंग अब आईआईटी पहले तो आईआईटी मतलब आईआईटी होता था अब ये क्वेश्चन आईआईटी का कह रहा हूं इसका मतलब आई मीन इट वॉज ऑल्स इन एडवांस्ड तो विच एज बफर सोल्यूशन एक से ज्यादा भी क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं जैसे मान लो ऐसे कह दिया जाए अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस एचसीएल जैसे पोटेशियम नाइट्रेट प्लस एच एनओ थ्री जैसे एन ए थ्री ओ फोर प्लस एन ए टू एच पी ओ फोर और एक और एग्जाम्पल लेते हैं ऑप्शन में अनदर एग्जाम्पल लाइक का सी एस थ्री सीओ एच प्लस के ओ एच अब आप ही बताए इसमें कौन कौन से बफर सोल्यूशन हो सकते हैं तो यू हैव टू लुक फॉर कंजुगेट एसिड बेस पेयर और द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस तो एक तो आंसर ए होगा आंसर सी होगा और आंसर डी भी होगा दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार स्टूडेंट को ये लगता है कि क्या बता रहे हैं सर ऑब्वियसली बी तो नहीं होगा वो भी समझ गए होंगे कि स्ट्रॉग एसिड एंड कंजुगेट बेस डज नॉट फॉर्म द बफर सोल्यूशन क्योंकि इनके अंदर वो एबिलिटीज ही नहीं है कि दे कैन कंज्यूम एच प्लस एंड ओ एच माइनस जैसे यही वाला सोल्यूशन अगर बाहर से ओ एच माइनस मिलाओगे तो एच एन ओ थ्री विल रियक्ट एंड न्यूट्राइज इट अगर बाहर से अगर एच प्लस मिलाओगे तो इट विल चेंज द पी एच तो बी कैन नॉट एक्ट एज बफर सोल्यूशन बट सी ए कैन एज बफर सोल्यूशन कैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एक्सल मिला रहे हो तो एक बात तो क्लियर रिएक्शन होगी एसिड बेस रिएक्शन और क्या बनेगा सॉल्ट बनेगा अमोनियम क्लोराइड प्लस एच टू ओ अगर आप इस तरीके से मिक्स करो कि एच सी एल जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट रहे तो एचसीएल पूरा खर्च हो गया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड अभी बच गया और ताजा और क्या बन गया अमोनियम क्लोराइड सो नाउ यू विल हैव द मिक्सचर ऑफ द अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड व्हाट बफर बेसिक बफर अच्छा ये तो है ही बफर बिकॉज फॉस्फेट आयन अगर बेस है एच पी ओ फोर टू माइनस कंजुगेट एसिड सो दे द वीक कंपोनेंट्स, सो इट इज मेकिंग बफर सेम कॉन्सेप्ट जो लॉजिक ए में था वही लॉजिक अब डी में आएगा क्या रिएक्शन कराओ जरा सी एस थ्री सीओ एच में KOH एच मिलाओ रिएक्शन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता सो दे विल रिएक्ट फॉर्म सी एस थ्री सीओ के प्लस एच टू ओ अब इसको इतना अमाउंट मिलाओ लिमिटिंग रिएजेंट अमाउंट में तो ये लिमिटिंग हो गया तो इसका मतलब ये बचा रह गया और ताजा ये बन गया और ये आपस में मिक्स करके क्या बनाएंगे ये बफर बनाएंगे कौन सा बफर सो दिस इज एसिडिक बफर दिखाई पड़ गया ना देखो एसिड बफर है तो समटाइम्स क्वेश्चन आर आस्ट लाइक दिस तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ऑफ बफर कैलकुलेशन का और एक क्वेश्चन लेते हैं टेकअप द क्वेश्चन Say numerical question Find Mass of Ammonium Sulphate to be added into to be added into point one M Aqueous Ammonia से फाइव हंड्रेड एम एल टू फॉर्म अ सोल्यूशन ऑफ पी एच नाइन पॉइंट मान लो इतना दिया हुआ है साथ में यह भी दिया हुआ है कि केबी ऑफ अमोनिया इज पी के बी ले लो या ऐसे ले लो टू इंटू द पार माइनस फाइव मान लो ये क्वेश्चन है हाउ टू अप्रोच सच क्वेश्चन कह रहे हैं कि वॉट मास ऑफ अमोनियम सल्फेट टू बी मिक्सड सॉलिड में मिला रहे हैं ये अच्छा इन आयनिक इक्विलिब्रियम क्वेश्चन में अगर हम सॉलिड मिला रहे हैं या कोई गैस मिला रहे हैं किसी में तो जनरली वी एज्यूम दैट द वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड वॉल्यूम में चेंज होगा बट दैट विल बी माइनर एंड वी एज्यूम द वॉल्यूम रिमेन कॉन्स्टेंट तो अमोनियम सल्फेट सॉलिड कितना मिलाएं मास पूछा है पॉइंट वन एम अमोनियम अमोनिया सोल्यूशन एन एच थ्री सोल्यूशन यस अमोनिया सोल्यूशन फाइव हंड्रेड एम एल टू फॉर्म ए सोल्यूशन ऑफ पी एच नाइन पॉइंट थ्री तो ध्यान दो अमोनिया तो है ही साथ में और किसे मिला रहे हो आप अमोनियम आयन को तो ये क्या बन गया आपस में बेसिक बफर मान लो आपने अमोनियम सल्फेट का जो मास यूज किया वो डब्लू ग्राम है तो फिर मोल्स कितने हो गए मोल्स इज इक्वल टू डब्लू अपॉन मोलर मास अगर देखेंगे तो थर्टी सिक्स अट्ठारह दूनी छत्तीस प्लस नाइन्टी कितना नाइनटी सिक्स छह छः बारह नॉर्थ तीन बारह तेहरा वन थर्टी टू यस वन थर्टी टू मोल तो फिर अमोनियम आयन के मोल्स कितने हो गए तो ये है ना कितना डबल आ जाएंगे इससे तो डबल मतलब डब्ल्यू अपॉन वन थर्टी टू इंटू टू डब्लू अपॉन सिक्सटी सिक्स मोल अब जरा देखो या बफर है बेसिक बफर तो फॉर्मूला क्या पीओ एच इज इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस रखो वैल्यूज पीएच कितनी है 9.3 तो पीओएच कितनी हो गई 14 माइनस नाइन पॉइंट टू पी कितना दिया हुआ है 5 माइनस लॉग 2 दैट मींस 4.7 प्लस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन का रेशियो किसी सॉल्यूशन में वही होगा जो मोल्स का रेशियो हो तो सॉल्ट के मोल्स कितने सॉल्ट मतलब ये अमोनिया मैन इज द कंजुगेट बेस सो दिस इज सॉल्ट डब्ल्यू अपॉन मोल्स अपॉन हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया वर देअर पॉइंट वन इंटू पॉइंट लीटर अमोनिया के मोल वंस यू सॉल्विट तो देखो यहां से कितना आ गया फोर पॉइंट सेवन जीरो आ गया और जीरो किसका लॉग होता है वन का तो एक तरीके से वन इज इक्वल टू लॉग हट गया दोनों तरफ से तो डब्लू अपॉन सिक्सटी सिक्स इंटू कितना हो गया ये पॉइंट फाइव इंटू पॉइंट जीरो यहां से जरा कैलकुलेट करें W कितना आ गया 66 सिक्स इंटू पॉइंट जीरो फाइव मीन वन बाई ट्वेंटी थ्री ग्राम कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेंगे एंड दिस इज द आंसर सो दिस मास ऑफ अमोनियम सल्फेट शुड बी एडेड टू गेट द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज 9.3 सो इट वाज अ केस ऑफ बेसिक बफर मोर क्वेश्चंस वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट वीडियो दैट्स इट फॉर नाउ